हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन डॉग्स थिंग्स। दोस्तों, आपके पास अगर लैब्राडोर रिट्रीवर है या फिर आप आगे चलकर लैब्राडोर को लेने की सोच रहे हैं, तो इन चीज़ों को ज़रूर समझ लें कि लैब्राडोर्स को ये पांच चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इन चीज़ों को बार बार रिपीट करने से आपका लैब्राडोर अग्रेसिव भी हो सकता है। तो इन पाँच चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। बढ़ते हैं हम आगे वीडियो की तरफ। नंबर वन, लेफ्ट बीइंग अलोन। गाइस, लैब्राडोर्स को अकेला रहना पसंद नहीं है। मैंने ऐसे काफ़ी केसेस देखे हैं जिसमें कुछ लापरवाह ओनर्स अपने लिए एक लैब्राडोर पपी को चुनते हैं और उनको पूरा दिन घर पर अकेला छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। लैब्राडोर्स काफ़ी ज़्यादा सोशल एंड फ्रेंडली डॉग ब्रीड होते हैं। ये ना ही सिर्फ अपने ओनर और उनकी फैमिली के साथ उनके अटेंशन के लिए हमेशा उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, बल्कि लैब्राडोर्स स्ट्रेंजर्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। और एक फ्रेंडली डॉग को घर पर अकेले छोड़ देने से लैब्राडोर्स में काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी एंड डिप्रेशन देखने को मिलता है, जो कि ये एंजाइटी एंड डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ ओवरऑल उनको मेंटली के साथ साथ फिजिकली भी उनको अफेक्ट करती हैं। लाइक कोई लैब्राडोर ओनर है जो कि अपने ऑफिस टाइम में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है और उसके पास अपने लिए टाइम नहीं रहता, तो अपने लैब्राडोर को कहाँ से देगा, और ना ही उसका कोई फैमिली उस लैब्राडोर का ख्याल रखते हैं। तो ऐसे लोग जब लैब्राडोर्स को ले लेते हैं तो लैब्राडोर को अटेंशन ही नहीं मिल पाती है, जिससे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और अग्रेसिव भी हो जाते हैं, और उसका लाइफ स्पैन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए उनको घर पर अकेला छोड़ देना लैब्राडोर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर टू, नॉट लेटिंग स्निफ ऑन वॉक्स। गाइज, आप सभी में से जिन सबके पास लैब्राडोर्स हैं वो तो ये चीज़ को डेफिनेटली जानते होंगे कि लैब्राडोर्स की सूंघने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, और इसी वजह से टेररिस्ट बॉम्ब एक्सप्लोसिव्स का पता लगाने के लिए एयरपोर्ट्स में और मिलिट्री में लैब्राडोर्स को चूज़ किया जाता है। लेकिन जब हम जैसे कॉमन लोग भी लैब्राडोर्स को रखते हैं तो हमारे साथ हमारे घर पर ही रहते हैं, लेकिन जब लैब्राडोर्स को बाहर वॉक पर लेकर जाया जाता है तो लैब्राडोर्स को वॉक के दौरान अपने आसपास की चीज़ों को सूंघ कर एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बट कुछ ओनर्स उन्हें थोड़ी देर की वॉक पर ले जाकर उनको जल्द से जल्द घर ले जाने की जल्दी में उन्हें चलाने के लिए खींचते रहते हैं, जो कि लैब्राडोर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपने लैब्राडोर को वॉक पर लेकर जाएं और उसे कहीं पर रुककर किसी चीज़ को सूंघकर उसे एक्सप्लोर करने का मन करे, तो आप उसे खींचे ना। उसे खींचने की जगह आप वहाँ पर 15 से 20 सेकंड तक का वेट करें। नंबर थ्री, येलिंग एंड हार्श पनिशमेंट्स। गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई ओनर अपने लैब्राडोर पपी को ट्रेनिंग देता है तो वो पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल ही नहीं रखता है, और अगर उनका लैब्राडोर पपी ट्रेनिंग के दौरान उनकी बात को नहीं समझ पाता है या फिर बाद में उनके फर्नीचर्स को चबा देता है तो उसको डांटने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पनिशमेंट भी देते हैं। लैब्राडोर्स काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एंड पोलाइट डॉग ब्रीड होते हैं। लैब्राडोर्स हो सकता है कि कभी कभी आपके वर्ड्स को ना समझ पाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस बात पर आप उन्हें बुरी तरह से डांटेंगे या फिर मारेंगे, क्योंकि वो आपके वर्ड्स को भले ही ना समझ पाए बट वो आपके इमोशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। आपके अग्रेसिव बिहेवियर को देखकर आपका लैब्राडोर आपसे डर सकता है, जो कि कुछ वक्त तक आपसे डरेगा और आखिरी में आकर वो भी अग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि डराकर आप अपने डॉग से कोई भी इज्जत नहीं ले पाएंगे, और इन ही डराने और मारने से आप अपने और अपने लैब्राडोर के बीच के रिलेशनशिप को और गुड बॉन्डिंग को भी ख़राब कर देंगे। इसीलिए आप उन्हें टाइम दें और कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस को ज़रूर रखें। वो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ सीखने और समझने लग जाएगा। आप जितने ज़्यादा अपने लैब्राडोर्स के साथ वक्त बिताएंगे और उसके साथ पोलाइट रहेंगे, उसके तीन गुना ज़्यादा वो आपके साथ पोलाइट रहेगा। और अगर आप उसे मारेंगे या फिर डांटेंगे तो शुरू में तो आपका लैब्राडोर आपसे डरेगा, बट एक टाइम के बाद वो आपके अग्रेसिवनेस बिहेवियर को देखकर आपसे तीन गुना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा। इसीलिए आप अपने लैब्राडोर को ज़्यादा डांटे या फिर मारे ना, ये भी आपके लैब्राडोर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर फोर, नॉट गिविंग अटेंशन। गाइस, लैब्राडोर को आपको जैसे मालूम है कि न्यूफाउंडलैंड की ब्रीड है और इनके एंसेस्टर्स मछुआरों के साथ काम करते थे और ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग डॉग्स होते थे। उस वक्त में किसी काम के डिसिप्लिन से करने के लिए, जैसे कि वह ठंडे पानी से रस्सी लाना, जाल को लेकर आना और जाल में से निकली मछलियों को भी पकड़कर लेकर आना, इन सभी कामों को तरीके से करने के लिए लैब्राडोर्स और फिशरमैन के बीच में एक ट्रस्टेबल इमोशनल कनेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था, जिसे इनको काफ़ी सदियों तक फिशरमैन्स द्वारा डेली बेसिस पर अटेंशन मिला करती थी। बट वही चीज़ अगर हम आज के वक्त की बात करें तो आज भी उन्हें उतनी ही अटेंशन की ज़रूरत होती है जितने उस वक्त में होती थी। लैब्राडोर्स को आपके बेड के पास बैठना,
सोफे के पास बैठना, आपके साथ बैठकर मूवी को देखना और आपको एक कमरे से दूसरे कमरे तक फॉलो करना, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इसलिए गाइस, अगर आप अपने लैबराडोर को इग्नोर करोगे, उसको वक्त नहीं दोगे, उसके साथ नहीं बैठोगे, तो उसको अटेंशन ना मिलने पर वो घर के फर्नीचर्स को चबाना, कपड़ों को फाड़ना और मिट्टी को खोदना, ऐसे बैड बिहेवियर्स को भी करना शुरू कर सकता है। इसलिए लैबराडोर्स को अटेंशन ज़रूर दे, और अटेंशन ना मिलना भी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर 5, एक्सपेक्टिंग गार्डिंग योर प्रॉपर्टी। गाइस, जैसे आपको मालूम ही है कि लैबराडोर रिट्रीवर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, उनका बेसिक नेचर ही गार्ड डॉग का नहीं होता, लाइक रॉटवाइलर्स, जर्मन शेफर्ड एंड बॉक्सर डॉग्स की तरह, और ना ही लैबराडोर्स कोई अच्छे वॉच डॉग होते हैं। लेकिन ट्रेनिंग देकर आप उन्हें एक अच्छा वॉच डॉग तो फिर भी बना लोगे, बट आप उन्हें गार्ड डॉग नहीं बना पाओगे, क्योंकि गार्ड डॉग अपनी जान पर खेलकर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी पर भी हमला कर सकता है, बट लैबराडोर्स ऐसे नहीं होते हैं। इसलिए अगर आपका डॉग पालने के मेन पर्पस प्रॉपर्टी एंड पर्सनल प्रोटेक्शन है, तो आप किसी गार्ड डॉग को चूज़ कीजिए, बट लैबराडोर से गार्डिंग की एक्सपेक्टेशन को ना रखें। बट गाइस, कुछ लैबराडोर्स होते हैं जो अपने ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी डॉग और ह्यूमन से फाइट कर लेते हैं, बट गाइस, इस चीज़ की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम होती है कि ऐसे लैबराडोर आपको मिलेंगे। बट गाइस, मोस्ट ऑफ द टाइम जो लैबराडोर्स होते हैं वो गार्ड डॉग नहीं होते हैं, इसलिए आप लैबराडोर से एक गार्ड डॉग की एक्सपेक्टेशन को ना रखें, ये भी लैबराडोर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो ऐसे 5 पॉइंट्स के ऊपर जो कि लैबराडोर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से एक अच्छी जानकारी भी मिली होगी। गाइस, मुझे आपके सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता हूँ वीडियोज़ को बनाने के लिए, रिसर्च करता हूँ, फिर बोलता हूँ, बहुत सारी चीज़ एडिटिंग वगैरह में टाइम लगता है, बट गाइस, मेरे सब्सक्राइबर्स अभी तक नहीं हुए हैं 1000। तो प्लीज़ गाइस, आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, नमस्ते एंड जय हिंद।